मोदी ने एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें 33 नए चेहरों को जगह दी गई है। लेकिन मोदी की इस नई कैबिनेट से स्मृति ईरानी आउट रही। स्मृति ईरानी को फिलहाल मोदी ने मंत्री नहीं बनाया है। हालांकि ऐसी खबरें जरूर चल रही थी कि हार के बावजूद स्मृति ईरानी मंत्री बन सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि मोदी सरकार 2.0 में स्मृति ईरानी अमेठी से जीती थी। उन्हें पार्टी ने इनाम के तौर पर मंत्री पद से नवाजा था। इस बार के लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा से 1,66,000 वोटों से हार गई थी। स्मृति के इस हार के बाद भी कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें फिर से मंत्री बनाया जा सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले साल 2014 में स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई थी। फिर भी मोदी के मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी गई थी और उन्हें मंत्री बनाया गया था। बता दें कि इस बार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 11 मंत्री हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार कैबिनेट से 36 मंत्रियों को जगह नहीं मिली। कैबिनेट में इस बार 7 महिलाएं शामिल हैं। पहले टर्म में 8 और दूसरे टर्म में 6 महिलाएं थी, लेकिन इस बार यूपी से सिर्फ अनुप्रिया पटेल ऐसी इकलौती महिला सांसद हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी के अलावा अश्विनी चौबे, अनुराग ठाकुर, साध्वी निरंजन ज्योति, मीनाक्षी लेखी, अजय भट्ट, जनरल वीके सिंह, राजकुमार रंजन सिंह, अर्जुन मुंडा, आरके सिंह, कपिल पाटिल, नारायण राणे, भगवत कराड, राजीव चंद्रशेखर सहित कई ऐसे नेता हैं जिन्हें इस बार मोदी के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। बता दें कि 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली। पीएम के अलावा 60 मंत्री बीजेपी और 11 अन्य दलों के हैं। पीएम मोदी की नई कैबिनेट में 33 नए चेहरों को मौका दिया गया है। लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले मोदी ने अपना सबसे बड़ा मंत्री परिषद बनाया है। कुल 71 मंत्री हैं। 2014 में 45 और 2019 में 57 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इस बार 30 कैबिनेट मंत्री हैं। 2019 में 24 और 2014 में 23 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी। यानी कैबिनेट मंत्रियों की संख्या में 25% का इजाफा है। 5 कैबिनेट कुर्सी गठबंधन को दी गई है। इनमें तेलुगु देशम के राम मोहन नायडू, जेडीयू के लल्लन सिंह, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी और एलजेपी रामविलास के चिराग पासवान शामिल हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 11 मंत्री हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार कैबिनेट से 36 मंत्रियों को जगह नहीं मिली है। कैबिनेट में इस बार 7 महिलाएं शामिल हैं। पहले टर्म में 8 और दूसरे टर्म में 6 महिलाएं थी। सबसे युवा टीडीपी के राम मोहन नायडू और सबसे बुजुर्ग 79 साल के जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।